प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते रूस का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पीएम मोदी की यात्रा से पहले रूस ने ऐलान किया है कि वह भारत में टैंकों के मजबूत कवच को फोड़ने वाले गोलों का निर्माण शुरू कर दिया है। इसे खास तौर पर भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है। ये गोले किसी भी बख्तरबंद को पलक झपकते फाड़ सकते हैं। इसे भारत रूस के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत रूस के बीच रक्षा संबंधों का एक लंबा और ठोस इतिहास है। इसमें भारत में हथियारों और गोला बारूद का संयुक्त और लाइसेंस के जरिए उत्पादन भी शामिल है। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा निगम रोस्टेक का हिस्सा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट हथियार निर्यातक ने भारत में मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स का निर्माण शुरू कर दिया है। निगम ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यह सहयोग भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पहलों के साथ अलाइन किया गया, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने कई फैसिलिटी स्थापित की है। रूस ने कहा है कि इस सहयोगी ढांचे के भीतर विभिन्न प्रकार के हथियारों से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जो दो अलग अलग देशों की कंपनियों के बीच सहयोग के एक असाधारण स्तर को प्रदर्शित करता है। इस बीच रोस्टेक के प्रमुख सर्गेई चेमेजवो ने उसी बयान में कहा कि भारत में रूसी गोला बारूद के उत्पादन का स्थानीयकरण भविष्य में आगे बढ़ता रहेगा।